तीन ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। सबसे पहली स्कीम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड की। लेकिन आखिर ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम होती क्या है और काम कैसे करती है? अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड है तो ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंडर आती हैं और अलग अलग इंडेक्सेस को ट्रैक करती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल के तौर पर निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला इंडेक्स है निफ्टी म्यूचुअल फंड का इंडेक्स। सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स को ट्रैक करने के लिए सेंसेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स भी है। इसी तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है। लेकिन आखिर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट नंबर 1 ये होता है कि आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती है। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सी कंपनी के शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। बेसिकली इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में क्या होता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करती है। उस इंडेक्स में पर्टिकुलर जो कंपनी के शेयर होंगे उन शेयर्स का रिप्रेजेंटेशन ही आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में दिखाई देगा। सेकंड चीज, इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। और अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखेंगे 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही दिखाई देंगे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड की स्कीम में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे फंड्स हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 प्लान है, सेंसेक्स प्लान है, आईटी सेक्टर के इंडेक्स का प्लान है और अलग अलग तरीके के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जैसे कि S&P BSE 500, निफ्टी Next 50, निफ्टी 100, निफ्टी 250, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड म्यूचुअल फंड की स्कीम जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं वो है एक्सिस फोकस 25 म्यूचुअल फंड। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है फोकस 25, इन कंपनीज के पोर्टफोलियो में 25 कंपनीज के शेयर्स ही होते हैं और ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर देती हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को एक्टिवली मैनेज किया जाता है और टाइम टू टाइम इस इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के होल्डिंग को चेंज किया जाता है और अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि ये एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्कीम है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर के रिटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर फिनोमिनल रिटर्न दिखाई दिए हैं। और अगर आप लोग इस म्यूचुअल फंड के स्कीम के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड की स्कीम का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी काफी ज्यादा मिनिमम है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। तो आप लोग आने वाले 3 से 5 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने के लिए मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम। अब मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो के फंडामेंटल्स चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे और जहाँ पर आपको रिटर्न्स ज्यादा दिखाई दे। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग स्मॉल कैप कैटेगरी को देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को देखेंगे तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्ग टर्म में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न देती है। और स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में ऐसी बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखते हैं और इन कंपनीज के शेयर्स में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना है। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय द वे, किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्कीम में। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।